दोस्तों ओडिशा भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसके जंगल में दुनिया की सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी अधिकतर ओडिशा के जंगलों में ही आप देख पाएंगे। कहते हैं किंग कोबरा के काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही एक व्यक्ति मर जाता है, परंतु आजकल एक अनोखी ही घटना ओडिशा में चर्चित हो रही है। दरअसल यहाँ एक नाग रेलवे ट्रैक में आकर मर गया, फिर जो उसकी नागिन ने किया उसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों ओडिशा के संबलपुर में सीमा नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ देवरा नाम के गांव जा रही थी। सीमा हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी और किसी के भी खिलाफ हो रहे अन्याय का विरोध करती थी। यही कारण था कि सीमा के कॉलेज में उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार बचपन में जब सीमा करीब 8 साल की थी तब वो अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक से उसके हाथ से दूध का गिलास नीचे गिर जाता है और दूध जमीन पर बिखर जाता है। वहीं सीमा के कुछ दूर एक नाग नागिन का जोड़ा उसे देख रहा था। जमीन में बिखरे दूध को देख वो नाग नागिन का जोड़ा सीमा के पास आ गया और दूध पीने लगा। वहीं सीमा उन नागों को देखकर डरने की बजाय बहुत खुश हो रही थी। दोस्तों उस दिन से वो हमेशा उस नाग नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरी में डाल आंगन में रख देती और वो जोड़ा आकर उस दूध को पी भी जाता। एक बार जब सीमा अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी तो तभी रास्ते में उसने तीन लड़कों को एक लड़की को परेशान करते देखा। बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स तो वहाँ जो भी हो रहा था उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए, परंतु सीमा अपनी आंखों के सामने हो रहे इस दुराचार को देख सहन नहीं कर सकी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उन तीनों लड़कों को जोर का तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चुंगुल से बचा लिया और वहाँ तभी भीड़ सी लग गई और सीमा के सपोर्ट में लोग आगे आए। उस समय वो तीनों लड़के वहाँ से चुपचाप निकल गए, परंतु कॉलेज जाते वक्त सीमा के एक दोस्त ने कहा कि तुमने थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि जिन लड़कों को तुमने मारा है उन्हें मैं जानता हूँ। ये एक गाँव के अमीर मुखिया के बेटे हैं, वो तुम्हारे से बदला जरूर लेने की कोशिश करेंगे। इस पर सीमा हंस दी और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से उसका वही हाल कर दूंगी। दोस्तों एक बार सीमा को एक्स्ट्रा क्लास के कारण अपने कॉलेज से आने में देर हो गई। उसके साथ घर वापस जाने वाले उसके सारे साथी जा चुके थे। उस दिन अकेले ही वो घर की ओर वापस जा रही थी कि तभी बीच रास्ते में वही तीन लोग जिसको सीमा ने तमाचा मारा था उसका इंतजार करते हुए मिले। वो लोग सीमा का इंतजार करते हुए बीच रास्ते में खड़े थे। वो सीमा से बदला लेने का इंतजार कर रहे थे और आज उन्हें बढ़िया मौका मिल चुका था। उन्होंने सीमा को जबरदस्ती पकड़ लिया और रेलवे पटरी की दूसरी ओर सुनसान जंगल की तरफ उसे ले जाने लगे। जैसे ही वो लोग सीमा को पकड़कर रेलवे ट्रैक के पास पहुँचे कि तभी एक नाग नागिन का जोड़ा वहाँ फन फैलाए उन लड़कों के सामने था जिन्हें सीमा दूध पिलाया करती थी। दोस्तों कहते हैं कि आपके द्वारा किए गए किसी भी तरह की अच्छाई कहीं ना कहीं वापस आप तक लौट कर जरूर आती है। ऐसा ही कुछ सीमा के साथ हुआ और वो नाग नागिन का जोड़ा सीमा को बचाने आया था। भयंकर फन फैलाए नाग नागिन के जोड़े को देख वो तीनों लड़के डर गए। अब सीमा को भागने का बढ़िया मौका मिल गया था और वो वहाँ से अपने आप को बचाते हुए घर की तरफ तेजी से भागी, परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं नहीं जाने दिया। तभी अचानक उनमें से एक लड़के ने एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा। नाग तुरंत वहां पर मर गया। नागिन बेबस हो गई थी। अब वो तीनों लड़के उस नागिन को मारने दौड़े तो उस समय उस नागिन ने जंगल की तरफ भाग अपनी जान बचाई, परंतु वो तीनों लड़के गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे हुए नाग को नहीं छोड़ा और ट्रेन की पटरी में नाग के शरीर को डाल उसे कुचल दिया। नागिन दूर झाड़ी में अपने नाग को मरते हुए देख रही थी। उस समय वो गुस्से में थी। उसके बाद जब लड़के घर को वापस चले गए तो नागिन भी कुछ दूरी तक उनका पीछा करने लगी और रात को जब तीनों सो रहे थे उस नागिन ने चुपके से तीनों को डसकर अपने नाग का बदला ले लिया। दोस्तों इस तरह उस नागिन ने खुद के प्राण देकर सीमा को बचा लिया। किसी ने बहुत सही कहा है कि
कि किसी जानवर को तुम प्यार दो तो उसमें इंसान से भी ज्यादा वफादारी आ जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। क्या हुआ जब पुलिस वालों ने बीच सड़क पर मारा नाग को और फिर नागिन ने जो किया उसे देख आप भी कांपने लगेंगे। दोस्तों, आपने कहानियां और फिल्मों में देखा होगा कि नाग नागिन अपना बदला 7 जन्मों तक नहीं छोड़ते। नाग की मृत्यु के बाद नागिन किस तरह इंसानों से बदला लेती है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन पहली बार ये घटना सच होती दिखी है। ये घटना घटित हुई अलीगढ़ से कुछ दूरी पर स्थित एक गांव में, जहां पर एक पुलिस वाले ने सरे आम नाग को मार डाला, जिसका बदला नागिन ने बेहद ही भयानक तरीके से लिया। दरअसल यशवंत नाम का पुलिस कर्मी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। यहां पर उसे आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन यशवंत को क्या पता था कि उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसको वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। जी हाँ, जहाँ पर यशवंत की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर एक घना जंगल था जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। वो अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन इस बात से यशवंत अनजान था और वो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। अचानक से नाग एक अन्य पुलिस वालों के जूते पर चढ़ गया। उस पुलिस वाले ने डर कर अपने पैर तेजी से झटकाए और वो नाग यशवंत के सीने पर जाकर गिरा। इसके बाद यशवंत ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उस नाग को तब तक मारता रहा जब तक उस नाग ने दम नहीं तोड़ दिया। नागिन दूर से ये दृश्य देखकर भागकर वहां से आई और अपना विशाल रूप धारण करके बीच सड़क फन फैलाकर बैठ गई। इतने में वो वहां से भागता नागिन ने एक एक करके सभी पुलिस कर्मियों को अपना शिकार बना लिया। यशवंत की नागिन ने बुरी हत्या कर दी। नागिन ने उसके हाथों को बुरी तरह से काट लिया और अपने दांतों के निशान वहां छोड़ दिए। जब ये हड़कंप मच रहा था तो आसपास के गांववासी वहां पर आ गए और पुलिस कर्मियों को बचाने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, उन गांव वासियों में एक सपेरा भी मौजूद था। उसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और बहुत दूर जंगल में छोड़कर वापस आ गया। नागिन का भयानक आतंक देखकर लोगों ने समय रहते ही पुलिस कर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात ये रही कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी, लेकिन यशवंत के लिए वो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार रह गया। यशवंत बताते हैं कि आज भी वो नागिन उनके सपने में आती है और उन्हें काटने का प्रयास करती है। आज भी उसे उसके काटे का वैसा ही दर्द महसूस होता है। यशवंत का मानना है कि शायद ये नागिन अपने नाक का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी। अभी भी उस नागिन का मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस हादसे से डरकर अब यशवंत ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और वो वहाँ से कहीं दूर चले गए हैं। तो देखा दोस्तों, कैसे हमें जाने या अनजाने में नाग या नागिन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।